Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the class of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. सर हमने IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था अपनी लास्ट टू क्लासेस में. पहले तो मैं क्विक रिकैप करवाऊं कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में IFRS 15 के हवाले से क्या बातें कवर की, फिर हम आज के एजेंडा को आगे लेकर चलते हैं. सर सबसे पहले IFRS 15 जिसका टाइटल था दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स यूज होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी जब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, जब अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करो फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर्स, फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर्स. अगर सामने वाली काउंटर पार्टी आपकी कंपनी का कस्टमर नहीं है तो फिर उस केस में जो ट्रांजेक्शन होगी वो जरूरी नहीं कि वो IFRS 15 में वो किसी और रेलेवेंट स्टैंडर्ड में अकाउंट फॉर की जा रही होगी. IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल देता है. IFRS 15 हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल की बात करता है. सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा स्टेप डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, चौथा स्टेप allocate transaction price to each performance obligation based on standalone selling price of each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied. In five steps ko follow karte hue, main apne contract from customer se arising wale revenue ko IFRS 15 ke तहत record kar raha hunga. अपनी लास्ट दो क्लासेस में हमने स्टेप वन और स्टेप टू को डिटेल में कवर किया और आज इंशाल्लाह हम स्टेप थ्री पे बात करेंगे. लेकिन पहले अगेन रिकैप करें कि स्टेप वन स्टेप टू में हमने क्या बातें कवर की थी. सर स्टेप वन में आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट इनफोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इंप्लाइड डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन. जिस मार्केट में, जिस एरिया में, जिस जुरिस्डिक्शन में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहां के जो भी नॉर्म्स हैं, वहां के जो भी रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. असेंस ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होना चाहिए. जरूरी बात यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होना चाहिए. IFRS 15 कहता है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट करने के लिए कम से कम उसमें ये पांच एट्रीब्यूट होने चाहिए. पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म, parties right to goods and services are identified, payment terms are established, contract has commercial substance, and it is probable that consideration will be received. ये पांच attributes अगर एक agreement में मौजूद हैं, तो फिर वो contract IFRS 15 का contract समझा जाएगा और उस पर फिर हम मजीद remaining steps apply करेंगे. Sir, what if कि अगर किसी agreement में ये पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा attribute missing हो और हमारा contract conclude हो जाए, का मतलब है या तो पूरा हो जाए या terminate हो जाए, तो फिर revenue कैसे record होगा? सर उस केस में IFRS 15 कहता है कि अगर आपकी कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे जब इन दो में से कोई एक बात होगी. नंबर वन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाए, कंसीडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसीडरेशन नॉन रिफंडेबल हो. ये तीनों बातें हो जाए आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो. या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, कंसीडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसीडरेशन नॉन रिफंडेबल हो. इन दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा आप अपने पास अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे. फिर मैंने एक बात बताई थी कि नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी एग्रीमेंट के तहत हर पार्टी के पास एवरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ राइट टू टर्मिनेट द होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15. अगर किसी एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट है ना कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर, तो अभी IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है. सर इसके बाद स्टेप वन में ही आपने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की थी. पूरा IFRS 15 में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की है. अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे बड़े जबरदस्त सवाल बना के टेस्ट कर सकता हूँ. हम भी इसके बहुत अच्छे सवाल टेस्ट करेंगे. कुछ इसकी प्रैक्टिस हमने की है लेकिन कुछ प्रैक्टिस हम इसके लेटर स्टेज पे लॉन्ग टर्म कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ और बाकी चीजों के साथ कवर करेंगे. अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्या है? सर एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फेज में है. सब्सिक्वेंटली आप उसके स्कोप को चेंज कर दें, सब्सिक्वेंटली आप उसकी प्राइस को चेंज कर दें, या सब्सिक्वेंटली इन दोनों को ही चेंज कर दें और ये चेंज अप्रूव बाय द पार्टीज हो, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का टॉपिक ट्रिगर हो रहा होगा.
अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दूं, लेस कर दूं, चेंज कर दूं, प्राइस को इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, या ये दोनों ही काम कर लूं और पार्टीज की अप्रूवल हो इस मॉडिफिकेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग होगी। सर ये जो डायग्राम, ये जो समरी आपके सामने है ना, ये आपके ज़हनो में छपी होनी चाहिए, आपके ज़हनो में याद होनी चाहिए आपको कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग किस तरह से करनी है हमने। सर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग के लिए आपने खुद से दो सवाल करने हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को की डेफिनेशन मीट करते हैं। अगर जवाब आता है यस, तो अपने आप से अगला सवाल पूछोगे, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कंसिडरेशन है और वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कंसिडरेशन है और वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स की स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। जवाब आता है यस, आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करोगे। आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एक बिल्कुल सेपरेट अलहदा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ट्रीट करोगे, इसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स करके इसकी खिचड़ी नहीं बनाओगे। सर व्हाट इफ कि कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो हो लेकिन कंसिडरेशन ना हो, लेकिन कोई एडिशनल कंसिडरेशन ना हो, या फिर एडिशनल कंसिडरेशन हो भी तो वो मार्केट कंसिडरेशन को रिफ्लेक्ट ना करे, तो फिर आपने डायग्राम के इस हिस्से में आ जाना है। इस हिस्से में क्या था, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह से, सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस का वो पोर्शन जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस का वो पोर्शन जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू। सर इन दोनों के टोटल को, इन दोनों के टोटल को हम रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट कर देंगे। और आखिरी केस, सर व्हाट इफ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हो भी अगर तो वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन ना मीट ना करे, तो उस केस में आपने अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई एडजस्टमेंट करनी होगी, जिसे हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम दे रहे होंगे, जिसे हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम दे रहे होंगे। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखना, इस डायग्राम को इनफैक्ट आपने समझना भी है और इस समरी डायग्राम को अपने ज़हनों में महफूज करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेवेन्यू रिकॉग्निशन को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करने के लिए। रीजन बीइंग कि अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में सही तरह से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गलत आइडेंटिफाई होगी, अलोकेशन गलत होगी, रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज होगा, सारा कुछ जो है ना आपका काम खराब हो जाएगा। स्टेप टू एक थियोरिटिकल स्टेप था, इस पर ज्यादा कोई मैं न्यूमेरिकली डिस्कशन, न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने लास्ट क्लास में इस पर अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है, सर एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए जा रहे हैं ना, और वो डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करते हैं, और वो डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करते हैं, तो हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो जो वैल्यू प्रॉमिस की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर होगी। अगेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट मेंशन हो, या हो सकता है इंप्लाइड हो, हमारी पास्ट हिस्ट्री, हमारी प्रैक्टिस की बेसिस पे इंप्लाइड हो। सर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई काम करते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमने एग्जांपल्स वगैरह भी दी थी लास्ट क्लास में, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप कोई काम करते हो जिसकी वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट डिलीवर नहीं होता, तो ये चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, सर वो चीज जो हमने क्लाइंट को डिलीवर करनी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि क्लाइंट को मिलने, वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि क्लाइंट को मिलना है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन थी। अगेन ये तो मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली आसान डेफिनेशन है, असल जो मसला है ना वो इस डिस्टिंक्ट के लफ्ज के अंदर है, असल जो कहानी है ना वो इस डिस्टिंक्ट के लफ्ज को समझना है कि आखिर ये डिस्टिंक्ट कहते किसको, आखिर ये डिस्टिंक्ट कहते किसको है। सर अब अगेन यह हमारी जजमेंटल, हमारी जो है ना असेसमेंट, रेलिवेंट फैक्टर सर्कमस्टांसेस के असेसमेंट और केस टू केस बेसिस पे हम अपनी जजमेंट्स और असेसमेंट को इस्तेमाल करेंगे और डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है एफआर 15 ये कहता है कि डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट होने के लिए दो क्राइटेरिया का मीट होना जरूरी है और दोनों के दरमियान एंड है, यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक साथ पूरी हो। नंबर वन, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन
or together with other resources that are readily available to the customer. कस्टमर उन गुड्स एंड सर्विस से इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सके या तो अपनी औकात में रहकर या अपनी कैपेसिटी में रहकर या फिर अदर रिसोर्सेज जो कि कस्टमर के पास रेडिली अवेलेबल हो. इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक नॉर्मल सिस्टम और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो गलत चीज थी, अगर आप एप्पल मैक का पीसी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर परचेस करते हो तो वहां एक अलग बात थी. और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज सेपरेबल फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट. आपके गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल हो. अब यहाँ हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि एंटिटी एक गुड्स एंड सर्विस को से इनपुट इस्तेमाल ना करे टू प्रोड्यूस कंबाइन आउटपुट. एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज ना कर रहे हो. एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस पर हाईली डिपेंडेंट ना हो. बेसिकली अगेन ये हाईली जजमेंटल कॉल होगी. अब अपने रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को असेस करेंगे और केस टू केस बेसिस पे डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे होंगे. तो ये तो कुछ डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी स्टेप वन स्टेप टू के हवाले से. आज की क्लास में हमने स्टेप थ्री को स्टार्ट करना है. तो स्टेप थ्री हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस. डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो भी पैसा मिलना है, एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो भी कंसिडरेशन मिलनी है, दैट इज ट्रांजेक्शन प्राइस. मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूं फिर इस पर बात करते हैं. ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन. ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन An entity expected to be entitled for in exchange for the goods and services. Transaction price is the amount of consideration entity expect to be entitled in exchange for the goods slash services. Not amount calculated on behalf of third parties, for example, sales tax. देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस की डेफिनेशन में पहले तो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन. Expected amount that we are expecting to be recovered from the customer, वो जो मैं customer से expect कर रहा हूँ ना कि जो मुझे मिलेगा वो मेरी transaction price है. तो इन्होंने क्या जुमला इस्तेमाल किया है? Expected consideration का. अब देखिए मैं इसकी example, एक बड़ी अजीब सी example है लेकिन समझ आएगा हमें. But let's say कि जो है ना आगा खान हॉस्पिटल में, let's say कि आगा खान हॉस्पिटल में emergency bed के एमरजेंसी बेड के जो चार्जेस है ना, लेट से एमरजेंसी बेड के चार्जेस है 10,000 पर बेड पर नाइट. आगा खान हॉस्पिटल में एक एमरजेंसी बेड के चार्जेस है 10,000 पर बेड पर नाइट. ठीक है, ये आगा खान की स्टेटेड चार्जेस हैं कि भाई अगर एक पेशेंट जो है ना एमरजेंसी बेड में एडमिट होता है तो उसको जो है ना 10,000 पर बेड पर नाइट चार्ज किया जा रहा है. ठीक हो गया. अब लेट से कि आगा खान के करीब में ना कोई ब्लास्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट हो जाता है, गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई इस ब्लास्ट के जो भी इंजरीज हैं, इस ब्लास्ट के जो भी क्या कहते हैं वो है जो वह जख्मी हुए हैं उनको आगा खान शिफ्ट किया जाए और जो भी खर्चा पानी होगी ना, जो भी खर्चा पानी होगी वो गवर्नमेंट आगा खान को रिइंबर्स कर रही होगी. आगा खान के इमरजेंसी बेड के चार्जेस स्टेटेड है उनकी पॉलिसी उनके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनके जो भी उनका मैनुअल वगैरह आता है उसमें लिखे हुए हैं 10,000 पर पेशेंट पर बेड. खुदा ना खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट होता है, गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी वो जख्मी लोग हैं ना उनको आगा खान शिफ्ट कर दो, फिलहाल जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट रिइंबर्स करेगी. ठीक हो गया सर. अब इस केस में आगा खान ये नहीं करेगा कि पेशेंट आते जा रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई पर पेशेंट मल्टीप्लाई पर बेड अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है. इस केस में आगा खान ये नहीं करेगा कि पेशेंट आते जा रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई पर बेड मल्टीप्लाई पर नाइट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती जाएगी, नहीं. इस केस में आगा खान क्या करेगा सर? इस केस में आगा खान असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि यार आज से पहले अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट ने किस हद तक रेवेन्यू को रिइंबर्स किया, ये गवर्नमेंट ने किस हद तक हॉस्पिटल्स को रिइंबर्समेंट दी. अगर आज से पहले गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई अनाउंसमेंट की है तो गवर्नमेंट ने क्या अपने कमिटमेंट को हमेशा पूरा किया है, या गवर्नमेंट ने कोई डिस्काउंट मांगा, या गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन रिइंबर्समेंट किया और कुछ पोर्शन वेव करवा दिया है? तो आगा खान क्या करेगा, इसे असेस करेगा, वैल्यूएट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आगा खान ने इवैल्यूएट किया कि गवर्नमेंट ने पास में जब इस तरह की क्या कहते हैं अनाउंसमेंट की है ना, पास में इस तरह के जो कमिटमेंट किए ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने जो है सिर्फ 70% ऑफ द अमाउंट रिइंबर्स किया. गवर्नमेंट ने सिर्फ 70% ऑफ द अमाउंट को रिइंबर्स किया है, तो आगा खान अपने पास रेवेन्यू भी 70% की हद तक ही रिकवर करेगा, रिकॉर्ड करेगा.
वो अमाउंट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा, ये मेरा रेवेन्यू, ये मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस है। भाई लेट्स से कि मैं अपना स्कूल चला, हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स की कोई ना कोई डिसाइडेड फी है, कोई ना कोई स्टेटेड फी है। कोई कोर्स 20,000 का है, कोई कोर्स 15,000 रुपए का है। क्या स्टूडेंट्स आते जाए मैं अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊं, क्या मैं अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस 15,000-20,000 पे सेट करता जाऊं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। रीजन भी मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे भी आएंगे, कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट भी मांगेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बैडेड भी हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर सकूंगा, वो मेरे लिए ट्रांजेक्शन प्राइस कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप कि ये एक्सपेक्टेड क्लब्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। चाहे तो इस एग्जांपल को कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस की डेफिनेशन क्या देखी, ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन an entity expect to be entitled, entity expect to be entitled in exchange for the goods and services. अच्छा, फिर ब्रैकेट में एक और बात लिखिए, not amount collected on behalf of the third parties, for example sales tax. ये बड़ी आसान सी बात है। देखें प्रैक्टिकली होता क्या, प्रैक्टिकली होता क्या है, लेट से कि आपने 100 रुपए की गुड्स सेल की, लेट से आपने 100 रुपए की गुड्स सेल की और 100 रुपए की गुड्स पे 17% का सेल्स टैक्स चार्ज किया, 17% का सेल्स टैक्स चार्ज किया, यानी कि आपके पास जो टोटल कैश आ रहा होगा ना, आपके पास जो टोटल कैश आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? सर हमारे पास टोटल कैश 117 का आ रहा होगा। क्या ये 117 पूरे हमारे हैं? नहीं सर, इस 117 में से जो 17 रुपए है ना, इस 117 में से जो 17 रुपए है वो सेल्स टैक्स का अमाउंट है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेल्स टैक्स पेबल अलग हो जाएगा 17 रुपए, जितना पोर्शन आपका है उतनी अमाउंट से आप अपने पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अगर मैं कोई अपना अमाउंट कलेक्ट करता हूँ किसी और के बिहाफ पे, लाइक सेल्स टैक्स में रिकवर करता हूँ गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो मेरा पैसा नहीं है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं सेल्स टैक्स पेबल को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस का पार्ट नहीं बनाऊंगा, मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस सिर्फ 100 रुपए होगी। तो आसान सी डेफिनेशन थी, ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड फॉर इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। अब इस स्टेप थ्री में हमें चार चीजों को कंसिडर करना है, चार फैक्टर्स पे बात करनी है और हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस को हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। ट्रांजेक्शन प्राइस may be affected by the nature, timing and the amount of consideration. Consider the following. चार चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस में, ट्रांजेक्शन प्राइस के इस स्टेप में कोई ना कोई रोल प्ले करेगी। नंबर वन नॉन कैश कंसिडरेशन। नंबर टू सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। नंबर थ्री कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। एंड नंबर फोर वेरिएबल कंसिडरेशन। इन चार चीजों पे हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में चीजें कवर करेंगे और इन चार चीजों का जिक्र करेंगे कि ये हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस पे क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन कैश कंसिडरेशन। सर बहुत ही आसान सा पॉइंट है, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे देखें आम हालात में तो अगर मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और बदले में मुझे मॉनिटरी कंसिडरेशन मिलती है, तो जो मॉनिटरी कंसिडरेशन का अमाउंट है वही मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो, बदले में कस्टमर आपको नॉन मॉनिटरी या नॉन कैश कंसिडरेशन प्रोवाइड करे तो फिर हम इस फैक्टर को देखेंगे। सर आसान सी बात है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कैश कंसिडरेशन है ना, आप इसे इसकी फेयर वैल्यू को ट्रांजेक्शन प्राइस बना दोगे। नॉन कैश कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू है ना, वो आपके लिए ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगी। जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में हमारे कस्टमर से नॉन कैश नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रही है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगी। सर वॉट इफ के नॉन मॉनिटरी या नॉन कैश कंसिडरेशन ऐसा हो जिसकी फेयर वैल्यू मालूम ही ना हो सके? तो फिर उस केस में जो हमने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसकी स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे या उसकी स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस पे हम अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को मेजर कर रहे होंगे। दैट्स इट, बस ये आसान सी दो बातें करनी थी मैंने। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है, नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू तुम्हारे लिए ट्रांजेक्शन प्राइस है। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो, तो जो तुमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए उसकी फेयर वैल्यू तुम्हारे लिए ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगी। तो आसान से दो पॉइंट जैसे रीड करें, तो फिर मैं एक सवाल देखता हूं इस पर। यहां देखें सर, इस नॉन कैश कंसिडरेशन या स्टेप थ्री डिमांड ट्रांजेक्शन प्राइस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं।
आपके IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 9, आपके IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 9, आपकी ICAP की स्टडी पैक से मैंने क्वेश्चन पिक किया, कहता है AX लिमिटेड decides to take a contract to perform consultancy services that would normally be valued at ₹50,000. एक कंपनी है AX लिमिटेड जिसने कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी उठाई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने कस्टमर को, और उनकी सर्विसेज की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली 50,000. कंपनी डिटरमाइंड दैट द सर्विस इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. कंपनी दैट सॉरी कस्टमर दैट इज कंपनी बी एग्री टू पे 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी अपॉन कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज. अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 50,000 रुपए हमारी सर्विस की वैल्यू है, लेकिन सामने वाला जो हमें 50,000 कैश नहीं दे रहा, बल्कि सामने वाला बंदा हमें 1000 शेयर्स दे रहा अपनी कंपनी के. कब? जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगी. बोथ एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st January 2017 when the shares are valued at ₹50 per share. On 1st February 2017 AXL completes the services when the shares are valued at ₹52 per share. कहता है कि एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, एक महीने तक 1000 शेयर्स मिलेंगे बदले में. जब हमारा एग्रीमेंट हुआ तब शेयर की फेयर वैल्यू 50 थी, और जब हमारा शेयर्स इशू किए जाएंगे सर्विसेज की कंप्लीशन पे, जब हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हुई तो शेयर्स की वैल्यू 52 हो गई है. हाउ मच रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड? तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा सवाल है सर, एक जनरल एंट्री बन जाएगी. सवाल को रीड करें, खुद जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं इसे सॉल्व करवाता हूं. सर इस केस में हमारे पास आसान सी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सर इस केस में हमारे पास आसान सी जनरल एंट्री बनेगी, 1st February 2017 पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना? 1000 शेयर्स है हमारे पास, 1000 शेयर्स में मिले और 52 की उसकी प्राइस है, तो 52,000 और रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट कितना सर? 52,000. सिंपल सा सवाल था सर, हमारे पास हमें 1000 शेयर्स मिल रहे हैं और जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, जब हमें शेयर्स मिले तब शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई सर? तब हमारी शेयर्स की वैल्यू 52 हो गई है. तो मैंने 52 पैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिया और रेवेन्यू 52,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया है. तो बड़ा सिंपल सा केस था, इस एंट्री को कॉपी करें. तो फिर एक और सवाल देखते हैं जैसा, आगे बढ़ते हैं सर. अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, नॉन कैश कंसिडरेशन. अच्छा, ये सवाल मैंने आपकी IFRS 15 की illustrative example number 31 copy की है. Question number 10, non-cash consideration, ये आपके IFRS 15 की illustrative example number 31 उठाई है मैंने. कहता है, an entity entered into a contract with a customer to provide consultancy services for 1 month. An entity entered into a contract with a customer to provide consultancy services for 1 month. The contract is signed on 1st January 2018 and the work begins immediately. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कस्टमर को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी है एक महीने तक. कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ है 1st January 2018 पे, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करना था वो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया. इन एक्सचेंज फॉर द सर्विसेज द कस्टमर प्रॉमिसेस टू पे 100 इक्विटी शेयर्स पर वीक ऑफ द सर्विसेज, अ टोटल ऑफ 400 शेयर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. सर चूंकि एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कहता है कि मैं हर हफ्ते आपको 100 शेयर्स दूंगा, यानी कि इन टोटल 400 शेयर्स दूंगा. The terms in the contract require that share must be paid upon the successful. The terms in the contract require that the share must be paid upon the successful completion of each week of services. हर हफ्ते की services के बाद हर हफ्ते के 100 shares issue कर दिए जाएंगे. The fair value of the 100 shares, the fair value of the 100 shares that are received upon completion of each weekly services are follow. जो shares की fair value है वो हमारे पास हर साल के हर हफ्ते के आखिर में वो दे रहा है. पहले हफ्ते के आखिर में, दूसरे हफ्ते के आखिर में, तीसरे हफ्ते के आखिर में और चौथे हफ्ते के आखिर में. 50 रुपए पर शेयर, 53 रुपए पर शेयर, 57 रुपए पर शेयर और 58 रुपए पर शेयर. जनरलाइज दी अबव. तो बहुत ही आसान से सवाल है, बहुत ही आसान से एग्जांपल है सर. इसे रीड करें और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं. याद है कि सर बड़ी आसान सी एग्जांपल हमारे पास, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 31. IFRS 15 illustrative example number 31. हर हफ्ते के आखिर में हमें 100 शेयर्स मिल रहे हैं और हर हफ्ते के आखिर में हमारे पास शेयर्स की जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है. सिंपल सी एंट्री क्या बन जाएगी सर? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 18 इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट रेवेन्यू बेनिफिट.
कितना 100 शेयर्स आपको मिले और पहले हफ्ते के आखिर में शेयर्स की वैल्यू कितनी है 50, तो 5000। एक फर्स्ट वीक ऑफ जनरेट तारीख में इक्विटी इन्वेस्टमेंट टाइप में डेवेन्यू क्रेडिट 50 शेयर 50 100 शेयर्स मिले हमें और 50 रुपए की फ्री वैल्यू है तो 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट टाइप में डेवेन्यू क्रेडिट। सेम इसी तरह सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 18 सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से सर 100 शेयर्स मिले और वैल्यू कितनी है सर 53 रुपए तो 5300। और सेम इसी तरह की एंट्री हमारे पास तीसरे और चौथे हफ्ते के आखिर में मिल जाएगी। अब आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये शेयर्स की वैल्यू पहले दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते में चेंज हो रही है, तो क्या मैं दूसरे हफ्ते अपने पुराने वाले शेयर्स को रिवैल्यू करूं, क्या मैं दूसरे हफ्ते अपने पुराने वाले शेयर्स को रिवैल्यू करूं? क्योंकि हम अपार्ट टू लेवल पे ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा बहुत जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन देख कर आए, तो हमें मालूम है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स IFRS 9 में ये सारी बातें आप डिटेल में कवर करोगे। हमें मालूम है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखते हैं या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखते हैं, और हर रिपोर्टिंग डेट पे आप उसको रिवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे लेकर आते हो। तो आपको हर हफ्ते ये काम करने की जरूरत नहीं है, आपने हर हफ्ते की एंट्री बनाई, फिर जब साल का आखिर आएगा तो रिपोर्टिंग डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे, वो उस दिन का काम है, आपको हर हफ्ते शेयर्स को रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते के साथ ही एंट्री बन जाएगी। चले सर आगे बढ़ते हैं, तो हमें चार चीजें ट्रांजैक्शन प्राइस के स्टेप में कवर करनी है। नंबर वन इज नॉन कैश कंसिडरेशन, दूसरी चीज हमारे पास कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर, दूसरी चीज हमारे पास कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। एट टाइम्स प्रैक्टिकली ऐसा भी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि कस्टमर तो हमें कंसिडरेशन पे ही कर रहा होता है, कस्टमर तो हमें कंसिडरेशन पे करता है, लेकिन एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में हमें कस्टमर को कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करनी पड़ जाती है। प्रैक्टिकली एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि हम उल्टा कस्टमर को कुछ प्राइस पे कर रहे होते हैं, कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे होते हैं, तो वो हमारा बन जाएगा कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल कि भाई लेट से सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं अपने FR के बैच में अनाउंस कर दूं कि भाई जिस बच्चे का भी FFR में जो है ना गोल्ड मेडल आ रहा होगा उसे मैं जो है ना 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अनाउंस कर दूं क्लास में कि भाई जिस स्टूडेंट का भी FFR में गोल्ड मेडल आएगा इस बैच में उसे 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा होगा। तो अगर लेट से कि किसी का गोल्ड मेडल आ जाता है और मैं उसे 1,00,000 रुपए पे करता हूं, तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से क्या होगा सर? मेरे पर्सपेक्टिव से ये कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर कहलाया जा रहा होगा। प्रैक्टिकली आप एट टाइम्स डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत सारे कूपन्स और वाउचर्स दिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारे कैश कूपन्स और वाउचर्स वगैरह दिए जा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कहता है इट इंक्लूड्स कैश पेड और पेबल टू द कस्टमर एज वेल एज क्रेडिट और अदर आइटम्स सच एज कूपन और वाउचर। इट इंक्लूड्स कैश पेड और पेबल टू द कस्टमर एज वेल एज क्रेडिट और अदर आइटम्स सच एज कूपन एंड वाउचर्स। ठीक है सर, ये तो इन्होंने बता दिया कि कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर होता क्या है। अब देखिए, अगर कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी? बेसिकली तीन तरह के सिनेरियो डिस्कस होंगे। सबसे पहले कहता है इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस, इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन प्राइस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर है तो आप उसे अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से माइनस कर दोगे। एक बात, Unless the payment is in exchange for the goods and services received from the customer. हाँ, अगर आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हो और कस्टमर से बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो तो फिर उसकी रिडक्शन को अप्लाई नहीं करोगे, फिर अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस उस अमाउंट को रिड्यूस नहीं करोगे। However, where consideration paid is more than the fair value of goods and services received from the customer. The differential shall be accounted for as a reduction in transaction price. अगर कस्टमर को आपने कंसिडरेशन दी बदले में कस्टमर से आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिए और जो कंसिडरेशन है वो गुड्स की सर्विसेज की फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो जो डिफरेंशियल है ना वो आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस रिड्यूस कर दोगे। अच्छा, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, इसमें पूरी एग्जाम्पल बना के समझाऊंगा तो फिक्र मत कीजिएगा। However, if consideration paid is more than the fair value of goods and services received from customer, difference is accounted for as reduction in transaction price. Or
If fair value of goods and services cannot be reliably determined, full amount is accounted for as a reduction in transaction price. तो मैंने कोई बात एक्सप्लेन नहीं की है, इसे बस अच्छे से रीड करो तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। या देखिए सर, कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, लेट्स से कि एक जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि डिफरेंट तरह के कस्टमर्स को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्लैट, प्रॉपर्टीज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह कंस्ट्रक्ट करके दे देती है। इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट्स से पावर सीमेंट के साथ। पावर सीमेंट एक कंपनी है, और पावर सीमेंट जो है ना प्रैक्टिकली एक कंपनी है, एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, और इसका काम यह है कि ये जो है ना सीमेंट बना के बेचती है, पावर सीमेंट ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच किया फॉर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और बदले में इनके दरमियान कोई ना कोई प्राइस एग्री होगी, लेट्स से पावर सीमेंट ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच किया टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। पावर सीमेंट वाले को अपनी एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवानी थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच किया और अपने लिए फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाई, और लेट्स से कि जो प्राइस एग्री हुई है ना, वो ये 1000 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, ठीक है सर, ये तो बड़ा सिंपल सा केस। अब इसमें डिफरेंट मोडालिटीज ऐड करता हूं, मैं इसमें डिफरेंट मोडालिटीज और टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करता हूं। केस वन, अ बोनस ऑफ रुपीज 120 मिलियन इज पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी टू पावर सीमेंट फॉर अवॉर्डिंग सच अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा हूं सर मैं, केस वन, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, इसने पावर सीमेंट को, 120 मिलियन का एक बोनस दिया, इसने पावर सीमेंट को एज अ गुडविल गेस्टर, एज अ कस्टमर रिलेशनशिप 120 मिलियन का बोनस दिया। क्यों दिया भाई बोनस? इसलिए बोनस दिया क्योंकि पावर सीमेंट ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, तो हमने सोचा कि इसको 120 मिलियन का एक बोनस देते हैं। इस केस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कंपनी की ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? सर हमारी जो प्राइस एग्रीड हुई थी ना, वो कितनी थी? 1000 मिलियन या 1 बिलियन, इसमें से लेस कर देंगे कंसिडरेशन टू कस्टमर। मुझे कस्टमर को कितनी कंसिडरेशन पे करनी है? सर 120। सर हमारे पास हमारी जो ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी वो 880 आ जाएगी, हमारी जो ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी वो सिंपली 880 आ जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा केस। मुझे 1000 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 1000 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने बदले में 120 मिलियन का बोनस देने की बात कर दी कस्टमर को, उससे मैं अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस रिड्यूस कर दूंगा, तो मेरे पास ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगी। केस टू सुनिएगा। रुपीज 120 मिलियन इज पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी टू पावर सीमेंट। रुपीज 120 मिलियन इज पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी टू पावर सीमेंट लिमिटेड, पीसीएल का मतलब पावर सीमेंट लिमिटेड, फॉर परचेज ऑफ सीमेंट फ्रॉम पावर सीमेंट लिमिटेड, दो बातें करते हैं, वैल्यू ऑफ सीमेंट 120 मिलियन या वैल्यू ऑफ सीमेंट
सर केस टू क्या है? केस टू क्या है? ये केस टू इस केस से बिल्कुल अलग है। केस टू में क्या बात है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे किया, लेकिन अब की बार इसे बोनस पे नहीं किया। इसने 120 मिलियन इसलिए पे किया है कि इन्होंने पावर सीमेंट से सीमेंट परचेस किया। इन्होंने पावर सीमेंट से सीमेंट परचेस किया। अब यह दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो जो सीमेंट हमने पावर सीमेंट से परचेस की वो 120 मिलियन की ही थी। वो जो सीमेंट हमने पावर सीमेंट से परचेस की उसकी वैल्यू 120 मिलियन थी, उसकी वैल्यू 90 मिलियन थी, उसकी वैल्यू 90 मिलियन थी। तो अब मैं क्या करूंगा सर इस केस में हमारी जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी, वो कितनी होगी सर? वो 1000 ही रहेगी। कोई आपने एडजस्टमेंट करने की जरूरत, क्योंकि 120 मिलियन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 120 मिलियन की कुछ ले रहा हूं। केस टू के इस वाले एरिया में, इस केस में क्या करेंगे सर? हमारी प्राइस एग्री हुई थी 1000, जो कंसिडरेशन टू कस्टमर है वो कितना होगा सर? वो डिफरेंशियल होगा। कितना डिफरेंशियल? आपने पावर सीमेंट को 120 पे किए, आपने पावर सीमेंट को 120 पे किए, कितने की सीमेंट परचेस की है सर? 90 की। कितने की सीमेंट परचेस की है? 90 की। तो एक्सेस कितना पे किया? एक्सेस कितना पे किया है सर? 120 माइनस 90, 30 रुपए एक्सेस पे किया। इस 30 रुपए को आप एडजस्ट कर दोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस 970 है। यानी बेसिकली मैं जितना एक्सेस पे कर रहा हूं, जितने की मैं गुड्स ले रहा हूं बदले में, जितना एक्सेस पे कर रहा हूं उससे मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट कर रहा हूं, उसे मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट कर रहा हूं। और आखिरी केस थ्री, रुपीज 120 मिलियन इज पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी टू पावर सीमेंट एस वर्कर ऑफ पावर सीमेंट हैज या हैव हेल्प द कंस्ट्रक्शन कंपनी इन कंस्ट्रक्शन वर्क, इन कंस्ट्रक्शन वर्क। और यह मैं एक बात लिख देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ वर्कर हेल्प इज नॉट अवेलेबल। क्या लिखा मैंने? रुपीज 120 मिलियन इज पेड बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी टू पावर सीमेंट। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे किया। क्यों पे किए? क्योंकि पावर सीमेंट के वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद की थी, हेल्प किया था कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन वर्क में पावर सीमेंट के एम्प्लॉइज ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे साथ काम किया था, मैं जो कि इसलिए हमने ऐसा गुडविल कैसे 120 मिलियन पे कर दिए पावर सीमेंट। अच्छा, वर्कर ने जो मुझे सर्विसेज, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, वर्कर ने जो मुझे ये सर्विसेज, मुझे ये जो हेल्प की ना, इस हेल्प की सर्विसेज की मैं फेयर वैल्यू मालूम नहीं कर सकता। तो अब मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे निकालूंगा? सर मैं 1000 रुपए के एग्रीड प्राइस में से पूरा 120 माइनस कर दूंगा तो 880 मेरे पास ट्रांजेक्शन प्राइस आ जाएगा। अगर फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर, आप पूरी कंसीडरेशन माइनस करोगे आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस और बाकी सारे सिनेरियोस लेते हो। तो आई होप कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। लाजमी हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां सुनने से मैं सारे केसेस रिपीट करता हूं। देखें, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई उनको फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके दी जा रही होगी और 1000 मिलियन यानी कि 1 बिलियन की प्राइस डिसाइड हुई, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। केस वन, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि यार पावर सीमेंट हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, हमारा इतना अच्छा कस्टमर है, तो हम एक काम करते हैं, अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए हमारे कस्टमर को एज अ गुडविल गेस्टचर 120 मिलियन का बोनस देते हैं। बस ये बात हुई। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन का बोनस दिया फॉर अवॉर्डिंग सच अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। तो अब होगा क्या? कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी,
वो ये नहीं करेगी कि 1000 का रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड करे और 120 का अमाउंट एज एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ये नहीं करेगी कि 1000 का रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड करे और 120 का बोनस एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करे। कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को ही एडजस्ट कर देगी कि 1000 रुपए मिलने थे, 120 पे करने, यानी कि अब हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की 880 हो जाएगी। इस 880 की ट्रांजेक्शन प्राइस को, इस 880 की ट्रांजेक्शन प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में अकॉर्डिंगली अलोकेट किया जा रहा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1000 का रेवेन्यू और 120 का बोनस एक्सपेंस है, मैं ये कहूंगा कि भाई हमारी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस ही 880 है, इसे हम अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट कर देंगे स्टेप 4 के तहत बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ये सिंपल सा केस था, ये किल हो गया। केस 2, कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे कर रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे कर रही है, लेकिन इस केस में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे कर रही है ना, बदले में वो पावर सीमेंट से सीमेंट परचेस कर रही है। अब दो केस हो सकते हैं, अब दो बातें हो सकती है। सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी 120 पे कर रही है, 120 पे कर रही है, और बदले में जो सीमेंट परचेस हो रही है ना, उसकी वैल्यू भी 120 मिलनी है। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर सीमेंट को कोई एडिशनल अमाउंट थोड़ी पे कर रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर पावर सीमेंट को 120 पे कर रही है तो कोई अलग चीज की थोड़ी है, वो तो सीमेंट बाय करने के लिए पे कर रही है। तो तुम्हें अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, ट्रांजेक्शन प्राइस को कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस तुम्हारी 1000 ही रहेगी। ये सिंपल सा केस था। केस टू का पार्ट भी, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे किए, लेकिन बदले में पावर सीमेंट से जो सीमेंट परचेस किए ना, बदले में जो पावर सीमेंट से सीमेंट परचेस किए, उसकी वैल्यू 90 मिलियन है। अब खुद आप लॉजिकली सोचें कि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी 120 मिलियन पे कर रही है, बदले में 90 मिलियन की सीमेंट परचेस कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको एक्सेस कितना पे कर रही है? सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको एक्सेस पे कर रही है 30 रुपए का अमाउंट। तो इस 30 रुपए के अमाउंट को मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से रिड्यूस कर देता हूँ। तो मेरे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी आ जाएगी? 970। यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपने 970 की ट्रांजेक्शन प्राइस को अपनी जो है ट्रांजेक्शन प्राइस में, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करूंगा। अब किसी ने सवाल पूछा, सर व्हाट इफ के अमाउंट पे किया जाता 120, और सीमेंट जो मिलती बदले में उसकी वैल्यू होती है 150, और सीमेंट जो होती है उसकी वैल्यू होती है 150। तो इस केस में भी आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस में कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस 1000 ही रहेगी। एक और अगर मैं केस बनाऊं कि 120 पे किए गए लेकिन बदले में जो सीमेंट है ना वो 150 मिलियन की रिसीव हुई है, तो हमने तो यहाँ अपना फायदा किया है ना, हमने तो यहाँ अपना फायदा किया कि 120 मिलियन पे किए बदले में 150 की सीमेंट ले ली। मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस में से कुछ भी रिड्यूस नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ट्रांजेक्शन प्राइस में से रिड्यूस कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को बोलो कि कम पैसे दो। कस्टमर से तो आप पूरे हजार ही ले रहे हो। आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को वर्कआउट कर रहे हो। और आखिरी केस, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पावर सीमेंट को 120 मिलियन पे किए। क्यों पे किए? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ वर्कर्स की हेल्प चाहिए थी, तो पावर सीमेंट के वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स की थोड़ी हेल्प कर दी थी। तो उन्होंने एज अ गुडविल जेस्चर पावर सीमेंट को 120 मिलियन का अमाउंट पे कर दिया। और फैक्ट क्या है कि जो वर्कर्स ने हेल्प किया ना, इस हेल्प की फेयर वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती। जब फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर डिटरमिनेबल ना हो, तो फिर आप अकॉर्डिंगली पूरी अमाउंट को अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस से, अपनी प्राइस से माइनस कर दोगे इन ऑर्डर टू वर्क आउट द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो 1000 रुपए की प्राइस थी, 120 मैंने पे किया, मैंने पूरे 120 माइनस किया, 880 मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस बन जाएगी। आई होप कि मैं चीजें एक्सप्लेन कर सका हूं आप लोगों को। सर, एक और दफा ये सारी बातें अपनी समरी से रीड करते हैं, अपनी स्लाइड से रीड करते हैं कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन पेबल टू दी कस्टमर है, तो आप इस कंसिडरेशन को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से एडजस्ट कर दोगे। ये रूल नंबर वन। हाँ, अगर आप ये कंसिडरेशन कस्टमर को पे कर रहे हो, बदले में कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो फिर इसे माइनस नहीं करोगे। लेकिन फिर हो सकता है
कि जो कंसिडरेशन आपने पे की वो गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, जो कंसिडरेशन आपने पे की वो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो, तो फिर डिफरेंशियल अमाउंट, तो फिर जो डिफरेंशियल जो एक्सेस अमाउंट है उसे आप ट्रांजेक्शन प्राइस से माइनस करोगे। और अगर कस्टमर से जो गुड्स एंड सर्विस मिलता है उसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, तो फिर हम फुल अमाउंट को अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से रियूज कर देंगे। सर, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक सवाल देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके आईफर्स 15 के हैंडआउट का, बेसिकली आपके आईफर्स 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर। अच्छी एग्जांपल है सर, मैं इसे रीड करता हूं, फिर इसे मैं सॉल्व करता हूं। कहता है एन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स, एन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स entered into a contract, entered into a one-year contract to sell to a customer that is a large global chain of retail stores. The customer commit to buy at least 15 million. The customer commit to buy at least 15 million of product during the year. The contract also required the entity to make a non-refundable payment of rupees 1.5 million to the customer at the insertion of the contract. The 1.5 million payment will compensate the customer for the changes it need to make to its shelving to accommodate the entity's product. During the first month, the entity sold goods worth 2 million to the customer. देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारी एक कंपनी है जो कि कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने किसी कस्टमर के साथ, कस्टमर ने हमसे वादा किया, कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो हमसे पूरे साल में कम से कम 15 मिलियन के गुड्स खरीदे। अच्छा, ये बात तो थी। फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि हम कस्टमर को डे वन पे एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करेंगे 1.5 मिलियन का। क्यों पे करेंगे? क्योंकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी दुकान में जो है ना वो शेल्फ वगैरह बनाएगा, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करने के शेल्फिंग वगैरह करेगा, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम कस्टमर को 1.5 मिलियन का नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे कर। पहले महीने में इस कस्टमर ने हमसे 2 मिलियन के गुड्स खरीदे। जनरलाइज द अबव। सर, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है उस कॉन्सेप्ट को अपने सामने रखे, इस सवाल को अच्छे से रीड करें और जरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलिए सर, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। कंसीडरेशन पेमेंट टू द कस्टमर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, और हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके आईएफआरएस 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 32 है। आईएफआरएस 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 32। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है सर, हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कस्टमर ने हमसे वादा किया, कि पूरे साल में जो हमसे परचेजेस करेगा वो कितने की परचेजेस करेगा सर? पूरे साल में हमसे कम से कम 15 मिलियन की परचेजेस करने वाला है। ऐसा ही कस्टमर ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर ने हमसे वादा किया कि वो पूरे साल में हमसे 15 मिलियन की गुड्स परचेज करेगा। बदले में हमने उसको डे वन पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे किया है। कितने का सर? 1.5 मिलियन। क्यों पे किया है? क्योंकि नॉन रिफंडेबल अमाउंट इसलिए पे किया कि कस्टमर अपनी दुकान में वो जो है ना शेल्फ वगैरह और वो क्या बोलते हैं कैबिनेट्स वगैरह बनाएगा जहां हमारी वो प्रोडक्ट लगा होगा। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एग्री कितनी हुई सर? हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एग्री हुई है 15 मिलियन। ठीक है, कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर कितना है? कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर है 1.5 मिलियन। तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी हो गई सर? कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस हो गई 13.5। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस एग्री हुई थी कि कितने की सेल्स होगी कम से कम सर, वो हुई थी 15 मिलियन। बदले में मैंने 1.5 मिलियन का डिपॉजिट पे किया और यानी कि नेट ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमारी हो गई वो गई 13.5। अब लेकिन यहाँ इस समय में हुआ क्या है कि डे वन पे मैंने उसको 1.5 मिलियन पे कर दिया, और वो एक साल के अरसे में मुझसे 15 मिलियन के गुड्स बाय करेगा। तो डे वन पे हमारी एंट्री क्या बनेगी सर? डे वन कह लू या मंथ जीरो कह लू, हमारे पास से कैश गया कितना? 1.5 मिलियन। और हम डेबिट कर देंगे एडवांस टू कस्टमर, कोई भी नाम देने आप इसको एसेट बना रहे हैं, बस एडवांस टू कस्टमर मुझे नोमेनक्लेचर थोड़ा सही लग रहा था, मैंने इसको 1.5 मिलियन एडवांस टू कस्टमर का एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 1.5 मिलियन। अब पहले महीने के आखिर में क्या हुआ? पहले महीने के आखिर में उसने मुझसे 2 मिलियन की गुड्स बाय किए, यानी कि पहले महीने के आखिर में मंथ वन के आखिर में मेरे पास कैश आया होगा कितना? 2 मिलियन का। लेकिन मैं अपना रेवेन्यू 2 मिलियन से क्रेडिट नहीं करूंगा, अब देखें 15 मिलियन की सेल्स है, 15 मिलियन की सेल्स होगी अगले एक साल में, 15 मिलियन की सेल्स होगी अगले एक साल में।
पैसा 15 मिलियन आएगा, लेकिन रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा 13.5, ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी 13.5, यानी बेसिकली हो ये रहा है कि इसका 90% इसका 90% आपका रेवेन्यू बन रहा है और उसका 10% इसका 10% जो है ना आपने एक कंसिडरेशन पे टू दी कस्टमर, कस्टमर आपसे पूरे साल में 15 मिलियन की खुशबा करेगा, लेकिन आपने अकाउंट्स में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करा है 13.5 का, क्यों, क्योंकि 10% पोर्शन आपका नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगा। तो मैंने करना क्या होगा सर, कैश डेबिट एडवांस टू कस्टमर क्रेडिट कितना सर 2 रुपए का 10% 0.2 और रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट 2 मिलियन का 90% 1.5। जैसे जैसे पूरे साल में सेल्स होती रहेगी हम अपने पास एडवांस टू कस्टमर क्रेडिट करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, इन दी एंड आपका एनडीआई जीरो हो जाएगा। तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक अच्छी एग्जांपल है, आई होप कि मैं आपको समझा सका उसको अच्छे से, लाजमी कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 हम देख रहे थे, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। चार एरिया से चार फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना है स्टेप 3 के अंदर। पहला था हमारे पास कंसीडरेशन, सॉरी पहला था हमारे पास नॉन कैश कंसीडरेशन, दूसरा था हमारे पास कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर, तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के हवाले से क्या बात है, देखें अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है कि बायर या सेलर इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का बेनिफिट हासिल हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का सिग्निफिकेंट बेनिफिट हासिल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी प्राइस में से, ट्रांजेक्शन प्राइस में से फाइनेंसिंग कंपोनेंट के इफेक्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इंटेंशनली एडजस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एड या लेस करने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कभी हम फाइनेंस के कंपोनेंट को ऐड करेंगे, कभी हम फाइनेंस के कंपोनेंट को लेस करेंगे। सर रिपीट करें, देखें अगर आपकी पेमेंट टर्म्स, अगर आपकी पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है कि बायर या सेलर इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का बेनिफिट हासिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी एग्रीड कंसिडरेशन में से फाइनेंसिंग कंपोनेंट को एडजस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्ट ट्रांजेक्शन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की डिलीवरी डेट एक है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स की डिलीवरी डेट एक आ रही है और पेमेंट डेट लेटर डेट पे आ रही है, पेमेंट डेट लेटर स्टेज पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट हो सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट यहाँ हो रही हो, पेमेंट एक डेट पे हो रही हो जबकि गुड्स की डिलीवरी आगे जाके हो रही हो, तो इस केस में भी फाइनेंसिंग का एलिमेंट हो सकता है। अगर एक सिंपल सी हिंट दे रहा हूं कि अगर पेमेंट डेट और डिलीवरी डेट डिफरेंट टाइम पे आ रहा है, अगर पेमेंट डेट और डिलीवरी डेट डिफरेंट टाइम पे आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी हिंट हो सकती है कि आपकी एग्रीड कंसीडरेशन में कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट है, आपने उस फाइनेंसिंग एलिमेंट को एडजस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो रीड करते हैं और उस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। इफ टाइमिंग ऑफ द पेमेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड आदर कस्टमर और एंटिटी विद सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ फाइनेंसिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांजेक्शन प्राइस इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से है कि या तो कस्टमर या हमारी कंपनी इन दोनों में किसी एक को फाइनेंसिंग का बेनिफिट हासिल हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक को फाइनेंसिंग का सिग्निफिकेंट बेनिफिट हासिल हो रहा है, तो हमें ट्रांजेक्शन प्राइस में से फाइनेंसिंग कंपोनेंट के इफेक्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कैन बी आइदर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड बाय द पेमेंट टर्म्स। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि एट टाइम्स फाइनेंसिंग एलिमेंट की बात कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लियर कट मेंशन होती है कि भाई अगर अभी पेमेंट करोगे तो इतनी पेमेंट करोगे, 3 साल के बाद पेमेंट करोगे तो इतनी पेमेंट करोगे, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई इंटरेस्ट रेट की बात कर दी, कोई लेट पेमेंट की बात कर दी, तो ये सारी बातें तो वो हो गई कि हमने फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। लेकिन एट टाइम्स ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली या एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता, लेकिन पेमेंट टर्म्स इस तरह से बनाई जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट इंप्लाइड होता है और हमें फिर इंटरेस्ट के एलिमेंट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। एक चीज सुनिएगा कि अगर आपकी पेमेंट टर्म्स, अगर आपकी पेमेंट टर्म 12 मंथ या उससे कम है ना, तो फिर हम कहेंगे कि फाइनेंसिंग का एलिमेंट इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द पीरियड बिटवीन द ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
एंड पेमेंट इज 12 मंथ और लेस, अगर 12 महीने या 12 महीने से कम की पेमेंट टर्म है तो आप फाइनेंसिंग के एलिमेंट को इनसिग्निफिकेंट करके इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अगर 12 महीने से ज्यादा का पीरियड आ रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ गुड्स में, तो फिर यहाँ फाइनेंसिंग का कंपोनेंट सिग्निफिकेंट होगा, इसे हम अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस कैलकुलेट करते वक्त एडजस्ट कर रहे होंगे। तो इससे पहले रीड करें एक तो सवाल देखते हैं, फिर हम इसके थोड़े कॉम्प्लेक्स एरिया पर आते हैं। अच्छा सर, आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें फिर भी कैसे मालूम होगा, हमें कैसे मालूम होगा कि यार हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक कंसिडरेशन एग्री हुई है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक प्राइस एग्री हुई है, तो इसमें फाइनेंस का एलिमेंट है या नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं, स्टिल हमें कैसे मालूम होगा? देखिए, दो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, दो फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स टू कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट और नॉट। आप इन दो चीजों को देख लो, दोनों में से एक की बेसिस पे आपको हिंट मिल जाएगी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई फाइनेंसिंग का एलिमेंट है या नहीं। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कुछ और आ रही है और उसी प्रोडक्ट की, उसी गुड्स एंड सर्विसेज की कैश प्राइस कुछ और है, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई फाइनेंस का एलिमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज की एक प्राइस आ रही है, जबकि उसी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम कैश में बाय करें तो डिफरेंट प्राइस में मिल जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ फाइनेंसिंग का कंपोनेंट है, हो सकता है। और लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और दिस एंड पेमेंट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट एक दिन हो रही है और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस अलग दिन पे हो रही है, या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक दिन पे हो रहा है और पेमेंट अलग दिन पे हो रहा है, तो यहाँ हिंट हो सकती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंसिंग का एलिमेंट हो सकता है, हमें उसे एडजस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अवर ट्रांजेक्शन प्राइस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर ट्रांजेक्शन प्राइस। हाँ, लेकिन अगर पेमेंट टर्म, पेमेंट ड्यूरेशन आपका 12 महीने या 12 महीने से कम है, तो आप इस फाइनेंसिंग एलिमेंट को इनसिग्निफिकेंट कंसीडर करते हुए इग्नोर भी कर सकते हो। तो अब तक मैंने कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं पढ़ी, ये वाली बात मैंने कवर करनी है, लेकिन पहले हम इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इस वाली बात पे भी आएंगे। सर, अगर हमारे पास एफ 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें, एफ 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12, ये अगेन आपके आईफर्स 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 26 से मिलती जुलती एग्जांपल है, लेकिन ये मैंने किसी और जगह से उठाई है, दैट इज आईफर्स किट, आईफर्स बॉक्स से। क्वेश्चन नंबर 12, आईफर्स 15 ट्रांजैक्शन प्राइस सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कहता है, वॉइस लिमिटेड इंटेंड टू बाय 30 ट्रक फ्रॉम ऑटो कार लोकल कार डीलर, हाउएवर ड्यू टू कैश शॉर्टेज वॉइस इज नॉट एबल टू पे इमीडिएटली आफ्टर प्लान डिलीवरी, देयरफॉर ऑटो कार एग्री दैट द वॉइस पे द प्राइस आफ्टर द वर्ड। कहता है कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से 30 ट्रक बाय करने का बात की, कैश फ्लो शॉर्टेज की वजह से हम डे वन पे फॉरन पे नहीं कर सकते, हम पे करेंगे एक साल के बाद, प्राइस पर ट्रक इज 32,000, एक ट्रक 32,000 रुपए का है, हाउएवर ऑटो कार एग्री टू रिसीव पेमेंट इन वन ईयर ओनली इफ वॉइस एक्सेप्ट इंक्रीज परचेज प्राइस ऑफ ₹33,000 पर ट्रक। कह रहे आम हालात में तो एक ट्रक 32,000 रुपए का है, लेकिन चूंकि वॉइस वाला जो पेमेंट है वो एक साल के बाद कर रहा है, तो हमने उसको उसी केस में सेल करना है जब वो 33,000 की प्राइस पे एग्री करे। द कॉस्ट ऑफ द ऑटो कार ट्रक इज 28,000 और एक ट्रक की कॉस्ट आपको 28,000 बता रहा है, व्हाट शुड ऑटो कार रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हेन। तो क्या जनरेटरी किस वक्त बनेगी, जरा खुद से ही सॉल्व कर लेते हैं इसे, रीड करें क्वेश्चन नंबर 12 और खुद से ट्राई करें इसे। यहां देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे, बहुत ही आसान सा सवाल है सर, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 12। सर हमने 30 ट्रक बाइक की ऑटो कार से, ऑटो कार की बेसिकली मैं काउंटिंग करनी है, ऑटो कार ने हमें 30 ट्रक सेल किए, एक साल के बाद पेमेंट करनी है, आम हालात में प्राइस 32,000 है और एक साल के बाद 33,000 है, तो इस सिनेरियो में तो आपके पास दोनों इंडिकेटर्स ही मौजूद है, कैश सेलिंग प्राइस 32,000 है, एग्रीड कंसीडरेशन 33,000 है, कैश सेलिंग प्राइस और एग्रीड कंसीडरेशन डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि यहां फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा। सर डिलीवरी ऑफ गुड्स आज हो रही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स आज हो रही है, पेमेंट एक साल की बात हो रही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स आज हो रही है, पेमेंट एक साल की बात हो रही है, तो यानी कि यहां पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट मौजूद है। तो आसान सी एंट्री क्या बन जाएगी सर, ईयर जीरो पे आपकी एंट्री बन जाएगी रिसीवेबल डेबिट कितना 30 ट्रक 32,000 के हिसाब से और रेवेन्यू क्रेडिट पहले साल के आखिर में कैश डेबिट कितना सर 30 ट्रक के हमें पैसे मिलेंगे 33,000 के हिसाब से, हमारे पास कुछ इंटरेस्ट इनकम आएगी क्योंकि हमने 32,000 से रिसीवर रिकॉर्ड किया था, लेकिन आगे जाके वो रिसीवर 33,000 पे रिकवर होता है,
तो 30 ट्रक मल्टीप्लाई बाय 33 माइनस 32 और डिफरेंशियल अमाउंट ये इतना ही हमारे पास रिसीवर रिकॉर्डेड होगा, उतने से हमारे पास पैसा आता है। तो नंबर्स कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ये बन रहा है हमारे पास 32,000 मल्टीप्लाई बाय 30 960 960,000 कैश हमें रिसीव हुआ 990 का और 30,000 की हमारी इंटरेस्ट इनकम है और 960,000 से जो हमारा रिसीवल था वो सारा का सारा क्लोज। तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन थी, आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ। जल्दी से कॉपी करें तो एक और सवाल देखते हैं। आगे बढ़ते सर एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके IFRS 15 के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 29 है सर। कहता है एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल बी ट्रांसफर टू द कस्टमर इन 2 इयर्स दैट दिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सैटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। कहता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर को जो गुड्स है ना वो 2 साल के बाद देने, कस्टमर को जो गुड्स है ना वो 2 साल के बाद देने और वो 2 साल के बाद एट अ पॉइंट इन टाइम उसकी कंसीडरेशन ट्रांसफर हो जाएगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 2 पेमेंट ऑल्टरनेटिव, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पेमेंट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1 पेमेंट ऑफ 5,000 इन 2 ईयर टाइम व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स, या तो 2 साल के बाद ही, या तो 2 साल के बाद ही कस्टमर 5,000 रुपए पे करे, और पेमेंट ऑफ 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, या तो आज 4,000 रुपए पे कर दे। एक हमने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2 साल के बाद उसको गुड्स देने, या तो वो मैं आज ही 4,000 रुपए दे दे या 2 साल के बाद 5,000 रुपए दे। द कस्टमर इलेक्ट, द कस्टमर इलेक्ट टू पे 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, और कस्टमर ने कौन सा ऑप्शन पिक किया है? कस्टमर ने कहा मैं आज 4,000 रुपए दे देता हूँ और 2 साल के बाद गुड्स उठा लूंगा। रिक्वायर्ड जनरलाइज द अबव, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, बहुत ही आसान सा सवाल है। रीड करें इसे, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिए सर मैं सॉल्व करवाता हूँ इस सवाल को। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 29 देख रहे हैं। अब देखिए क्या फैक्ट है सर इस सवाल में? सर सवाल में फैक्ट ये है कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, इसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट होगी, सीडीज कॉन्ट्रैक्ट डेट, 2 दिन के बाद गुड डिलीवर, सॉरी 2 साल के बाद, ये ईयर 0, ये ईयर 1, ये ईयर 2, 2 साल के बाद गुड्स की डिलीवरी डेट होगी, तो डीडी इज डिलीवरी डेट। कस्टमर ने हमसे कहा, हमने कस्टमर से कहा कि या तो ऑप्शन वन आज 4,000 रुपए दे दो, ये ऑप्शन वन है। ऑप्शन टू क्या है सर? ऑप्शन टू ये है कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है ना 5,000 रुपए करते हैं। ऑप्शन वन आज 4,000, ऑप्शन टू 2 साल के बाद 5,000। तो कस्टमर ने कहा कि मैं ऑप्शन वन पिक करता हूँ, आज 4,000 रुपए पे करता हूँ। तो हमारे पास डे वन पे एंट्री क्या बन जानी चाहिए सर? हमारे पास डे वन पे एंट्री बन जाएगी ईयर 0 पे कैश डेबिट 4,000 से, कैश डेबिट 4,000 रुपए से, और एक टर्म में अपने पास क्रेडिट कर रहा हूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की टर्म पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की टर्म को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ आप अपने पास लिख लेंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लेकिन एक लेटर स्टेज में मैंने आपको 4 या 5 टर्म्स एक साथ समझानी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ये 4 तरह की टर्म्स जो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, ये 4 अलग अलग टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, रिसीवर और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लेकिन इसको मैं लेटर स्टेज पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं 4,000 से कैश डेबिट और 4,000 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया। अब देखिए एक चीज समझिएगा ठीक है, अगर आम हालात में कोई लोन ट्रांजेक्शन हो तो एक बंदा होता है बोरोवर, ठीक है, एक बंदा होता है लेंडर। सर लोन ट्रांजेक्शन में होता क्या है कि लेंडर बोरोवर को कैश दे रहा होता है, सही है, और उस कैश के ऊपर बोरोवर लेंडर को इंटरेस्ट पे कर रहा होता है
तो बोरोवर की बुक्स में ये इंटरेस्ट क्या है सर? बोरोवर की बुक्स में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और लेंडर की बुक्स में ये इंटरेस्ट क्या है सर? लेंडर की बुक में ये इंटरेस्ट इनकम है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। एक लोन ट्रांजेक्शन में लेंडर बोरोवर को कैश या पैसा दे रहा है, बोरोवर उसको सूद दे रहा है लेंडर को, इसके लिए सूद एक्सपेंस है, इसके लिए सूद इनकम, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो पार्टी कैश इंजॉय करती है ना, जो पार्टी कैश इंजॉय करती है, जिसके पास कैश होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है। इसके पास कैश आया तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो पार्टी अपना कैश दूसरे के पास रखवाती है, वो अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस बात नहीं। अब हमारे वाले केस ने बायर ने हमें आज पैसे दे दिए, तो पैसा मेरे पास है, तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 2 सालों का, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करें? एक तरीका तो ये कि 500-500 2 साल में रिकॉर्ड कर लो, 500-500 2 साल में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये थोड़ा प्रॉपर तरीका नहीं है। हमें कंपाउंडिंग इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो आज 4000 का अमाउंट है वो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5000। वो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5000। तो मैं काम करता हूँ, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, S=P(1+I)। कोई नया फॉर्मूला नहीं, बचपन से हम देखते हैं 1+I की पावर है। S=P(1+I) की पावर है। S कितना है सर? 5000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 4000। इंटरेस्ट रेट मालूम करना है और N कितना है? 2। N कितना है? 2। तो मैंने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेता हूँ सर मैं इंटरेस्ट रेट। ये बन रहा है हमारे पास 11.8%। ये बन रहा है हमारे पास 11.8%। तो मैंने करना क्या, देखो मेरे पास कैश है तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैं पैसा एंजॉय कर रहा हूँ। सर पहले साल क्या आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से सर? 4000 का अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया, मल्टीप्लाई बाय 11.8%, तो 4000 का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 11.8%, ये बनता है 472। ये बनता है 472 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फिर इसी तरह दूसरे साल के आखिर में मजीद इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? सर आपकी 4000 की अमाउंट अब 4472 बन गई। डे वन पे वो 4000 थी, लेकिन अभी 4472 बन गई थी, पहले साल का इंटरेस्ट एक्युमुलेट हो गया। तो 4472 का 11.8%, 4472 का 11.8%, तो ये बनेगा आपके पास 528। तो 528 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाए। सर फिर दो साल के बाद आपके पास से गुड्स आएंगे, 2 साल के बाद सामने वाला बंदा आपसे गुड्स लेकर चला जाएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, आपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे 5000। अगर वो कस्टमर डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन पिक करता, तो इस दिन पेमेंट और उस दिन डिलीवरी होती, डायरेक्ट एंट्री बन जाती कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन कस्टमर ने ये वाला ऑप्शन पिक किया, तो 4000 को मैंने 2 पीरियड में ग्रो करवा कर 5000 करवाया और फिर अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आसान सी एग्जाम्पल है सर, जल्दी से कॉपी कर ले, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बातें मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, आपने लाजमी अपने पास जो है ना इसको नोट करने में, कुछ बातें आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आपने इसको लाजमी नोट करना है। सिर्फ कुछ बातें मैंने लिखी है डिस्काउंट रेट के हवाले से, कि जैसे अभी तो हमने एक सवाल देखा, तो उसमें हमने डिस्काउंट रेट खुद कैलकुलेट किया कि आज डे जीरो पे 4000 दिए जा रहे और 2 साल के बाद उस 4000 की जो वर्थ है ना, वो 4000 जो अमाउंट है वो 5000 बन जाना चाहिए। तो हमने 4000 की प्रेजेंट वैल्यू, 5000 की फ्यूचर वैल्यू रखकर एक डिस्काउंट रेट कैलकुलेट किया 11.8%। लेकिन
अगर मैं बात करूँ कि डिस्काउंट रेट आखिर कहाँ से आ रहा होगा या डिस्काउंट रेट हमें कैसे मालूम करना है, डिस्काउंट रेट कौन से पिक कर रहे होंगे, तो उसके वाले से मैंने कुछ बातें लिखी। ठीक है, जो पार्टी भी फाइनेंसिंग का बेनिफिट इंजॉय कर रही है ना, जो पार्टी फाइनेंसिंग का बेनिफिट इंजॉय कर रही है, यानी कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि जिस पार्टी के पास कैश आ रहा है वो बेसिकली लोन ले रही है, लोन इंजॉय कर रही है। तो जो पार्टी फाइनेंसिंग का बेनिफिट इंजॉय कर रही है ना, उसकी क्रेडिट करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आपका डिस्काउंट रेट डिटरमाइन होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आपका डिस्काउंट रेट डिटरमाइन होगा। डिस्काउंट रेट यूज्ड मस्ट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टी रिसीविंग द फाइनेंसिंग। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, पर लेट्स से कि एक सेलर है, सेलर की रेपो जो है ना मार्केट में अच्छी है, सेलर जब मार्केट में लोन लेने जाता है ना, तो सेलर को वो लोन 8% पे मिल जाता है। एक बायर है, बायर की मार्केट रेपो अच्छी नहीं है, बायर अगर मार्केट में लोन लेने जाता है ना, तो बायर को 12% पे लोन मिलता है। आई होप कि आपको नजर आ रहा है ये 8% लिखा है या 12% लिखा है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें पेमेंट टर्म्स या तो डेफर्ड है या पेमेंट टर्म्स एडवांस में, तो मैं 8% से वर्किंग करूँ या मैं 12% से वर्किंग करूँ? मैं 8% से वर्किंग करूंगा या मैं 12% का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करूंगा? सर ये आप इस तरह से कंक्लूड नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि फाइनेंसिंग का बेनिफिट कौन एंजॉय कर रहा है, अगर लेट्स से कि बायर उधारी पे माल लेकर जा रहा है, तो बायर उधार ले रहा है तो बायर का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर लेट्स से कि एडवांस पेमेंट है, यानी कि पेमेंट आज हो रही है और गुड्स एंड सर्विसेज बाद में दिए जाएंगे, तो पैसा सैलर को मिल रहा है, एडवांस पेमेंट सैलर को मिल रही है, लोन सैलर को मिल रहा है, फिर उस केस में हम 8% का रेट इस्तेमाल करेंगे। तो बताना यह है कि जो पार्टी फाइनेंसिंग का बेनिफिट इंजॉय कर रही है, उसकी क्रेडिट करेक्टरिस्टिक आपका ये डिस्काउंट रेट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर मैंने लिखा है discount rate is the rate that would apply to the separate financing transaction between the parties at a contract inception. आम हालात में अगर दो parties के दरमियान कोई financing transaction हो, कोई loan transaction हो, तो उसमें जो discount rate इस्तेमाल होता, हम भी यहाँ वही discount rate pick करेंगे। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने के लिए यूं दे सकता हूं कि लेट्स से कि भाई अगर आपको बैंक लोन देता है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको बैंक लोन दे रहा है और बैंक आपको लेट्स से लोन देता है कि बैंक कहता है कि भाई हम आपको लोन देंगे 20%। अगर आप 20% का, हम समझते हैं कि आपसे 20% का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, आपको 20% पे लोन देंगे, यानी कि हमारा और आपका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 20%। अब मैं लेट्स से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता हूँ और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले 5% के मार्कअप पे गाड़ियां सेल कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले 5% के मार्कअप पे गाड़ियां सेल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने वर्किंग करनी वो 5% के रेट को यूज करके वर्किंग करनी है। वो तो सिर्फ कस्टमर को घेरने के लिए 5% का रेट ऑफर किया जा रहा है, वो तो सिर्फ कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए 5% का रेट दिया जा रहा है। जो सारी वर्किंग होगी वो मार्केट रेट की बेसिस पे होगी कि अगर एक सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन होती तो क्या रेट चार्ज होता, वो रेट आपका डिस्काउंट रेट माना जाएगा। और इसकी फिक्र ना करें कि नेवरिकली कैसा मैनेज होगा, इस पर हमने एक एग्जांपल भी देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आ जाएगी। एक दफा आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, डिस्काउंट रेट को आपको बार बार रीमेजर या रीअसेस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर मार्केट रेट चेंज होता है, आगे चलकर सामने वाले का क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट हिस्ट्री में चेंज आ जाए, ये सारी चीजों की वजह से आपका डिस्काउंट रेट बार बार रिकैलकुलेट या एडजस्ट नहीं हो रहा होगा। तो ये सारी बातें आने वाले सवाल में, आने वाली एग्जांपल में इस्तेमाल भी होगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन पहले आपने सारी बातों को लाजमी कॉपी करना है। चले सर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 28 है, रीड करते हैं इसे। सर कहता है एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट। कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर टू द कस्टमर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसी वक्त इक्विपमेंट की डिलीवरी हो गई, उसी वक्त इक्विपमेंट का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया कस्टमर को। द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 मिलियन प्लस अ 5% कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट
payable in three annual installments of 367209 payable by the end of the each year. देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि 1 मिलियन की प्राइस है, 1 मिलियन की प्राइस है और 5% का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आपने जो पेमेंट करनी है ना, आपने जो पेमेंट करनी है ना, ये तीन इंस्टॉलमेंट्स में करनी है 367209 की. एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हमने डे वन पे मशीनरी सामने वाले को दे दी और प्राइस एग्री हुई है 1 मिलियन प्लस 5%, यानी कि तीन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है 367209 की बाय द एंड ऑफ ईच ईयर. ठीक है सर. केस वन, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट रिफ्लेक्ट द रेट इन द सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन. कहता है द एंटिटी ऑब्जर्व्स दैट द 5% कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, हमारा 5% का रेट कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ है, हमारा 5% का रेट कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसिटली मेंशन है. The entity observed that 5% contractual rate of interest reflect the rate that would be used in the separate financing transaction between the entity and the customer at the contract inception. That is, the contractual rate of interest of 5% reflect the character, reflect the credit characteristics of the customer. कहता है केस वन में आपसे कह रहा है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में 5% का रेट लिखा है ना, ये वही रेट है कि अगर हमारे दरमियान को सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन होती तो भी 5% का रेट ही होता. यानी कि कस्टमर को मैं एक तरह से उधार दे रहा हूँ, कस्टमर को मैं एक तरह से लोन दे रहा हूँ, तो ये 5% का रेट क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते कस्टमर को रिफ्लेक्ट करता है. ये केस नंबर वन है हमारा. केस टू, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रेट इन द सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन. द एंटिटी ऑब्जर्व्स that the 5% contractual rate of interest is significantly lower than the 12% interest rate, 12% interest rate that would be used in the separate financing transaction between the entity and the customer at contract inception. That is, the contractual rate of 5% does not reflect the characteristics of the customer. फिर case 2 में कह रहा है कि जो हमने contract में 5% के rate की बात की है ना, ये हमारे separate financing के rate को reflect नहीं करता. अगर हम सेपरेट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, अगर हम सेपरेट फाइनेंसिंग कर रहे होते तो हम अपने पास 5% नहीं बल्कि 12% का रेट इस्तेमाल करते हैं. ये 5% का रेट कस्टमर की क्रेडिट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. जनरलाइज द अबव. तो हमने सवाल को रीड करना है और एक अटेम्प्ट करनी है सवाल को सॉल्व करने की कि दोनों सेपरेट केसेस में मैंने अपने रेवेन्यू की, मैंने अपने सवाल में दोनों केसेस में मुझे ट्रांजेक्शन प्राइस और रेवेन्यू का नंबर मालूम करना है और फिर तीन सालों तक क्या एंट्रीज बन रही है ये भी मालूम करना है. तो लास्ट में पहले सवाल को अच्छे से रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें. आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो आपने लाजमी इसको खुद से सॉल्व करना है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस सवाल को सॉल्व करवाऊंगा और फिर स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस के चौथे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वेरिएबल कंसिडरेशन को मैं कवर कर रहा हूँ. तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.